स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। सो दोस्तों, टुडे वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज डलहौजी। डलहौजी एंड आफ्टर फाइनली ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो टॉपिक है उसको वी विल बी रैपिंग अप। डलहौजी एज वेल एज ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन अभी तो हम लोगों ने इलैबोरेटली कवर अप करके रखा है। इन द लास्ट लेक्चर वी हैव ऑल्सो कवर्ड कि कैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया के लिए एक साउंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म बनाया था। फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव इट वॉज साउंड बिकॉज यही एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म वी हैव कंटिन्यूड इवन टिल टुडे। डिस्ट्रिक्ट को पाइवोट रख के पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, देयर आफ्टर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन एंड जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, एंड इसके ऊपर एक इलेबोरेट प्रोविंशियल एंड देयर आफ्टर फिर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ब्रिटिशर्स ने डिजाइन करके रखी हुई थी। एंड इसमें मल्टीपल गवर्नर जनरल की पॉलिसीज एंड हाउ दोज पॉलिसीज अल्टीमेटली हेल्प ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन आवर कंट्री वो भी हमने कवर अप करके रखा है। सब्सिडियरी अलायंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, बट इतना ही नहीं तो जो फॉरवर्ड पॉलिसीज मार्क्वेस ऑफ हेस्टिंग्स एंड आफ्टर इवन गवर्नर जनरल ऑकलैंड के टाइम पीरियड पे हुई थी वो भी हम लोगों ने कवर अप करके रखी हुई है। तो बाय एंड लार्ज ऑल मेजर गवर्नर जनरल्स ऑफ आवर कंट्री हैव बीन कवर्ड एंड दिस विल बी द लास्ट टॉपिक ऑफ द लोकल गवर्नर जनरल्स ऑफ आवर कंट्री। लोकल गवर्नर जनरल ये वाला वर्ड मैंने इसीलिए यूज किया बिकॉज इनका प्राइमरी पर्पज हमेशा विद इन इंडिया जो गवर्नर जनरल के नीचे वाला एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म है वही डिजाइन करने में गया है। ऑब्वियसली इसके बाद वी नीड टू एम्बार्क अपॉन द नेक्स्ट टॉपिक विच विल बी प्रोविंशियल एंडर आफ्टर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे डिजाइन हुआ, दैट इज पार्लियामेंट्री एक्ट ऑफ ब्रिटिशर्स इन आवर कंट्री। बट दैट इज समथिंग फॉर द नेक्स्ट टॉपिक्स। आज के लिए बचा हुआ डलहौजी जब कवर अप करेंगे। बट अगेन आगे जाने से पहले यू विल गेट एक्सेस टू दिस पीपीटी ऑन द टेलीग्राम चैनल ऑफ आवर्स, एंड इफ यू वॉन्ट टू आस्क एनी स्पेसिफिक क्वेश्चन डायरेक्टली टू मी देन ऑब्वियसली फील फ्री टू आस्क इट टू मी ऑन द इंस्टाग्राम चैनल ऑफ आवर्स। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड इन दिस रिगार्ड। ना डलहौजी के जो मेजर रिफॉर्म थे मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट एंड आफ्टर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये हम लोगों ने लास्ट वाले लेक्चर में कवर अप करके रखे। बस वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में कन्फ्यूजन बिल्कुल क्रिएट नहीं करना है कि सर एग्जैक्टली अवध को हम क्या माने। इतना पहले तो याद रखोगे कि गवर्नेंस, मैल गवर्नेंस सॉरी, ये रीजन रहा है एंड इसके ऊपर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स उन्होंने लगाया है या नहीं लगाया है ये डिबेट है। तो ये डिबेट क्यों है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कुछ हिस्टोरियन का मानना है कि भाई डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगा है क्यों, बिकॉज ऑब्वियसली कैटेगरी टू का स्टेट था एंड इन दैट कैपेसिटी मैल एडमिनिस्ट्रेशन वॉज यूज एज अ रीजन टू इम्प्लीमेंट डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। जबकि हमने देखा है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में सिर्फ और सिर्फ इललेजिटिमेट चिल्ड्रन वॉज द रीजन दैट वॉज एक्चुअली गिवन बाय डलहौजी। तो अभी इंटरप्रिटेशनल वाला पंगा है, इसके लिए उसको थोड़ा सा ओपन एंडेड ही रखेंगे। बट इन एनी वेज लेट्स मूव फॉरवर्ड इन दैट रिगार्ड नाउ कि अब थोड़ा सा एजुकेशनल रिफॉर्म की तरफ जाते हैं। एजुकेशनल रिफॉर्म काफ़ी सिग्निफिकेंट है एंड ब्रिटिशर्स ने जो एजुकेशनल रिफॉर्म करके रखे हुए हैं वो भी सिग्निफिकेंट। हमने पहले ही देखा था कि 1835 में एक्चुअल एजुकेशनल रिफॉर्म इन इंडिया स्टार्टेड विद मैकॉलेज मिनट, एंड मैकॉलेज मिनट का बैकग्राउंड भी हम लोगों ने देख के रखा हुआ था। व्हाट वाज द बैकग्राउंड, देन कार्टर एक्ट 1813, इस एक्ट को लेटर ऑन इन डिटेल पढ़ेंगे, बट इट हैड प्रोविजन दैट रुपी 1 लाख ऑन एजुकेशन हैव टू बी एक्सपेंडेड बाय द ब्रिटिशर्स। अल्टीमेटली ये प्रोविजन को इम्प्लीमेंट करने के लिए कमिटी ऑन जनरल पर्पज ये बनाए के भी रखी थी, राइट, कमिटी ऑन जनरल पब्लिक इंस्ट्रक्शन या फिर कमिटी ऑन जनरल पर्पज भी आप इसको बोलोगे। बट कमिटी ऑन जनरल पब्लिक इंस्ट्रक्शन ये कमिटी एंग्लिसिस्ट एंड ओरिएंटलिस्ट में डिवाइड हो गई थी। तो एंग्लिसिस्ट एंड ओरिएंटलिस्ट कॉन्ट्रोवर्सीज के बाद में हमने वो भी देखा था कि दिस पीपल वॉन्टेड कि 1 लाख रुपए हमेशा किसके ऊपर एक्सपेंड होने चाहिए, इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ एजुकेशन के ऊपर ही एक्सपेंड होने चाहिए। दिस बैंड ऑफ पीपल वॉन्टेड कि वर्नैकुलर लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज इनके ऊपर ये पैसा खर्चा होना चाहिए। अल्टीमेटली 1833 में लॉर्ड मैकॉले वॉज अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ दिस कमिटी एंड लॉर्ड मैकॉले फेवर्ड इन फेवर ऑफ और ही गिव वर्डिक्ट इन फेवर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। एंड इंग्लिश एजुकेशन के साथ साथ इन्होंने ट्रिकल डाउन थियरी भी देके रखी थी एंड ये ट्रिकल डाउन थियरी को भी मैंने एक लाइन में बताया था, इतना ही याद रखना है, एक ही लाइन में इसको याद रखना है, इसमें कुछ ज्यादा सिग्निफिकेंट है नहीं। कि ट्रिकल डाउन थियरी में वी विल सिलेक्ट हैंडफुल ऑफ इंडियंस, हम लोग पहले कुछ सिलेक्टिव इंडियंस को सिलेक्ट करेंगे, उनको ब्रिटिश एजुकेशन मतलब इंग्लिश एजुकेशन देंगे एंड इनको इंग्लिश एजुकेशन देने के बाद इट विल बी देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक दिस एडमिनिस्ट्रेशन टू ऑर्डिनरी इंडियंस। ऑब्वियसली ये वाला जो मैकेनिज्म है इंडिया में चला भी, यू कैन क्लियरली टेक एन एग्जाम्पल्स इन आवर कंट्री कि आचार्य ईश्वर चंद्र विद्यासागर
ईश्वर चंद्र विद्यासागर एंड आफ्टर फिर महात्मा फुले, दोनों इसी प्रोडक्ट का नतीजा थे कि अल्टीमेटली देवर थॉट इन एन एंग्लिसाइज्ड वर्जन, एन एंग्लिसाइज्ड वर्जन में सिखाने के बाद अल्टीमेटली आचार्य ईश्वर चंद्र विद्यासागर ओपनड अप फर्स्ट गर्ल्स स्कूल इन आवर कंट्री इन 1848 एंड महात्मा फुले ओपनड अप फर्स्ट गर्ल्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर लोअर क्लास गर्ल इन 1851। अल्टीमेटली इन लोगों को पढ़ाया किसने? ब्रिटिशर्स ने पढ़ाया अंडर दिस ट्रिकल डाउन थियरी कि सिलेक्ट हैंडफुल ऑफ इंडियंस को सिखाएंगे, एनी हैंडफुल ऑफ इंडियंस विल टेक डाउन द एजुकेशन टू द ऑर्डिनरी पीपल। एंड ये पॉलिसी काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी रही, बट अल्टीमेटली इट वॉज नॉट सफिशियंट इनफ इन ऑर्डर टू गिव बेसिकली यू नो इन ऑर्डर टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैकॉले। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैकॉले हमेशा से ही रहा है कि वी नीड टू क्रिएट इंडियंस who will be Indian only in blood and color, but British in morale, opinion, taste and intellect. If you want to fulfill this objective, then trickle-down theory is never going to fulfill it, because ये बहुत ही limited skill का development होगा कि we will select handful of Indians, उनको education देंगे, and thereafter they will take down the education to the ordinary masses. And that's a mass education की एक responsibility Britishers में हमेशा से highlight हुई है, starting from 1840s itself. एंड यही मास एजुकेशन हमको वुड्स डिस्पैच में बनता हुआ दिखाई दिया है। दिस इज अ वुड्स डिस्पैच। वुड्स डिस्पैच के पहले हम लोग को दिखाई देता है कि लॉर्ड डलहाउजी ने एक नई एजुकेशनल सिस्टम भी लोकल लेवल पे इंप्लीमेंट करने का फोकस किया था, दैट इज थॉम्सोनियन सिस्टम। ये थॉम्सोनियन एजुकेशन सिस्टम काफी स्मॉल एजुकेशन सिस्टम है, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस। ये दिल्ली से लेकर आगरा वाला एरिया रहा है ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम। ये पीरियड ऑफ टाइम में पेशावर वाला एरिया ब्रिटिशर्स के अंडर एज सच नहीं आया था, जो अभी आना चालू हुआ है। तो ये पीरियड ऑफ टाइम में नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस मतलब दिल्ली आगरा वाला एरिया, यहाँ पे जेम्स थॉम्सन करके लेफ्टिनेंट गवर्नर का राज चल रहा था। लेफ्टिनेंट गवर्नर थे और उन्होंने मोर देन 800 to 1000 लोकल विलेज लेवल के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन वर्नैक्युलर मीडियम चालू रखे थे। एंड डलहौजी वॉन्टेड टू इम्प्लीमेंट सेम मॉडल अक्रॉस इंडिया, ब्रिटिश इंडिया। बट ऑब्वियसली वो इम्प्लीमेंट होने से पहले ही कार्टर एक्ट आ चुका था, एंड कार्टर एक्ट के साथ साथ इवन वुड्स डिस्पैच जो है वो भी इंडिया में आ चुका था। वॉट इज वुड्स डिस्पैच? डिस्पैच का मतलब होता है बेसिकली लेटर। वुड्स कौन है? तो चार्ल्स वुड है, वॉज बेसिकली प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट इन लंडन। बोर्ड ऑफ कंट्रोल काफ़ी सिग्निफिकेंट बॉडी, इनके ऊपर लेटर ऑन पढ़ेंगे, बट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर उनके ऊपर बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड उनके ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट। So board of control was an intermediary kind of the organization in between court of director and government. You can say board of control was the actual decision making authority as far as India is concerned. Uske president the Charles Woods. And Woods ne India mein dispatch bheja tha. Dispatch bheja tha ka matlab kya hai ki Woods ne India mein ek letter bheja tha, and it was a scheme of the educational reform jo Dalhousie ne lagani chalu bhi ki thi. Ab iske upar thodi bahut baatein karenge ki exactly what were the provision of Woods dispatch. Now, Woods dispatch 1854 में इंडिया में आया हुआ था, एंड वुड्स का कहना था कि इंडिया में वी नीड टू क्रिएट थ्री टायर ऑफ एजुकेशन सिस्टम। सबसे पहले तो हम लोगों को दिखाई देता है कि लोकल लेवल एजुकेशनल सिस्टम हैज टू बी देयर, विच कैन बी क्रिएटेड एट विलेज या फिर ग्रुप ऑफ विलेजेस। देयर आफ्टर फिर इंटरमीडिएट लेवल ऑफ एजुकेशन सिस्टम हैज टू बी देयर, एंड इंटरमीडिएट लेवल एजुकेशन सिस्टम के साथ साथ हम लोगों को एक हायर लेवल ऑफ एजुकेशन सिस्टम ये भी दिखाई देता है। Now, as far as local education system is concerned, as I told you, it will be carried out at village or group of village. ये basically क्या है? Then obviously ये elementary educational system है. An elementary education system जो है पूरी की पूरी आप vernacular medium में रखो, इसमें कोई problem नहीं है. But जैसे आप intermediate level के ऊपर आओगे, तो intermediate level के जो educational institution होंगे, ये particular educational institution Anglo vernacular medium में होने चाहिए. एंड एंग्लो वर्नैक्युलर मीडियम के साथ साथ सर्टन वोकेशनल एजुकेशन इज समथिंग दैट वी नीड टू प्रमोट। एंड देयर आफ्टर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मतलब यूनिवर्सिटी लेवल के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हु विल गिव आउट द डिग्रीज। एंड ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनेंगे, दिस पर्टिकुलर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विल बी प्रॉपरली इन इंग्लिश मीडियम ओनली। एंड देयर आफ्टर ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हमको फिलोसॉफी एंड फिलोसॉफी के साथ साथ इवन टेक्निकल एजुकेशन दोनों प्रमोट करना है। Now this was basically the three tier education system जो वुड्स ने बना के रखी हुई थी। इसकी वजह से जो एंग्लो ओरिएंटल कॉन्ट्रोवर्सी है, it ended once and for all in our country।
एंग्लो ओरिएंटल कंट्रोवर्सी में हमने देखा था कि भाई आप एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो तो कौन से मीडियम में प्रोवाइड करोगे, इसके ऊपर बड़े बखेड़े हुए। ऑब्वियसली लॉर्ड मैकॉले हैड गिवन हिज वर्डिक्ट इन फेवर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसको सभी लोगों ने सपोर्ट किया। द डिबेट वॉज स्टिल गोइंग ऑन इन आवर कंट्री एंड दैट्स अल्टीमेटली दिस एजुकेशन सिस्टम, थ्री टायर एजुकेशन सिस्टम, जिसमें एक लेवल पे आप वर्नैक्युलर एलिमेंट्री, इनिशियल लेवल पे दे हैड प्रपोज कि इसको विलेज लेवल पे बनाएंगे, बट दे रियलाइज कि थॉम्सोनियन एजुकेशन सिस्टम अपने विलेज लेवल पे बना ली, दैट इटसेल्फ वाज अ वेरी मच एक्सपेंसिव एंड नॉन वर्केबल सिस्टम, एंड दैट्स व्हाई एलिमेंट्री एजुकेशनल सेटलमेंट अल्टीमेटली इन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर ही इंप्लीमेंट कर दी ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम। आज के टाइम पे भी आपको इंडिया में जिला परिषद की शाला या फिर स्कूल दिखाई देती है जो एलिमेंट्री स्कूल तक का आपका जो एजुकेशन है वो कवर अप करेगी, रफली 7 स्टैंडर्ड तक का। फिर हायर लेवल के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इंटरमीडिएट लेवल सॉरी, उसके एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आपको दिखाई देंगे। यानी इंटरमीडिएट लेवल के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मतलब क्या, मैट्रिक, इनिशियल पीरियड ऑफ टाइम में, आज के टाइम पे 10 एंड 12 स्टैंडर्ड। अल्टीमेटली ये वाले जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है ये एंग्लो वर्नैक्युलर होंगे और यहाँ पे आप वोकेशनल एजुकेशन भी फोकस करोगे। एंड इसके ऊपर अल्टीमेटली फिर यूनिवर्सिटी लेवल का एजुकेशन, अल्टीमेटली यूनिवर्सिटी लेवल का एजुकेशन ये यूनिवर्सिटी इसमें बनेंगे। एंड यूनिवर्सिटी लेवल एजुकेशन पे हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज, फिलोसॉफी, टेक्निकल एजुकेशन एंड डिग्री ये भी देंगे। वुड्स ने खुद कहा था कि यूनिवर्सिटी शॉल बी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एज वेल एज लीड्स यूनिवर्सिटी जो लंदन में है, एंड वो जैसे डिग्रीज दे रही है बच्चों को तो वैसी डिग्री जो है ये पर्टिकुलर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी लेवल इन्होंने देनी चाहिए। इसके अलावा वुड्स ने कुछ और इम्पॉर्टेंट मेजर्स भी लेके रखे थे, दैट इज वुमेन एजुकेशन हम लोगों को प्रमोट करना है एंड देयर आफ्टर फिर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन प्रोविंशियल लेवल पे एज वेल एज सेंट्रल लेवल पे हम लोगों को बनाना है ताकि वी कैन ईयर मार्क द ग्रोथ मेड फॉर दिस पर्टिकुलर स्कीम। तो वुमेन एजुकेशन के ऊपर एम्फोसिस भी हमको करना है एंड सेपरेट डायरेक्टर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन नाम का एक पोजिशन, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन याद रखो, वो भी हमको अपॉइंट करनी है। एंड लॉर्ड डलहाउजी को एक क्रेडिट दिया जाता है कि लॉर्ड डलहाउजी वॉज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन द एजुकेशन ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल, नॉट बिकॉज ही वॉन्टेड टू डू समथिंग गुड फॉर इंडिया बट बिकॉज ही वॉन्टेड टू क्रिएट अ गुड मार्केट फॉर ब्रिटिश प्रोडक्ट इन आवर कंट्री। अगर वेस्टर्न एजुकेशन इंडिया में देंगे तो वेस्टर्न टेस्ट, इम्पोर्टेड आइटम का टेस्ट जो है इंडियंस में डेवलप हो जाएगा एंड दैट कैन बी यूटिलाइज एज अ मार्केट फॉर द ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड। एंड लॉर्ड डलहाउजी ने इसको काफ़ी अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करके रखा था। फाइनली 1857 में इंडिया में काफ़ी लैंडमार्क एजुकेशनल डेवलपमेंट हुआ, बॉम्बे यूनिवर्सिटी, देयर आफ्टर फिर कैलकटा यूनिवर्सिटी एंड देयर आफ्टर इवन मद्रास यूनिवर्सिटी इसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में बनी। क्रोनोलॉजी वाइज जाना है तो पहले कैलकटा, फिर बॉम्बे, देयर आफ्टर फिर मद्रास। एंड इसी पीरियड ऑफ टाइम में इवन रुर्की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वो भी बना हुआ था, अल्टीमेटली यही रुर्की। इट वॉज अ टेक्निकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो 1857 में बनी, इनॉग्रेशन 1861 में हुआ इसका, बट ये रुर्की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लेटर ऑन वॉज कन्वर्टेड इनटू फर्स्ट IIT इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया ऑल्सो। तो ब्रिटिशर्स के ऊपर हमेशा से जो एलिगेशन लगाया जाता है कि भाई ब्रिटिशर्स ने इंडिया में सिर्फ फिलोसॉफिकल एजुकेशन प्रमोट किया, टेक्निकल एजुकेशन प्रमोट नहीं किया, थिंग्स वुड हैव बीन वेरी मच डिफरेंट अगर ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल इंडिया में रहता। ऑब्वियसली अब 1857 का रिवॉल्ट होगा इसके बाद, एंड 1857 के रिवॉल्ट के बाद तो थिंग्स वेर गोइंग टू चेंज रैपिडली फॉर इंडिया एंड देयर आफ्टर ये एजुकेशन का जो प्रिटेंस ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लेके रखा था, इट वॉज प्रिटेंस ओनली, कोई भला नहीं कर रहे थे ये इंडियंस के, या फिर इंडियंस उनकी आइडेंटिटी छीन के इंडियंस को एक लॉयल ब्रिटिश सिटीजन में कन्वर्ट करने की कोशिश की। अल्टीमेटली ये प्रिटेंस भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1857 के बाद स्टॉप कर दिया एंड जो एजुकेशनल डेवलपमेंट अल्टीमेटली 1857 में इंडिया में थे बांग्ला जो वही 1947 तक इंडिया में रहे हैं। बट लॉर्ड डलहाउजी, ऑब्वियसली मैंने आपको कल भी बताया था कि ही इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज अ फादर ऑफ द मॉडर्न इंडिया, इट इज बिकॉज ऑफ दिस थिंग ओनली कि पहले फिजिकल इंटीग्रेशन तो किया प्लस एक प्रॉपर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के जो पैरामीटर है इन्होंने इंडिया में इंप्लीमेंट भी करके रखे थे। ये थ्री टायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इज समथिंग जो इंडिया में आज भी यूज किया जाता है। ये तीन यूनिवर्सिटी, आई एम क्वाइट श्योर सम ऑफ यू नहीं, मेजॉरिटी ऑफ यू मस्ट बी द डिग्री होल्डर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी ऑफ देमसेल्फ। एंड अगर आप IIT की भी बात करोगे तो IIT में हमेशा प्रेफरेंशियल प्रेफरेंस किसको रहता है, तो रुर्की को ही रहता है। ये भी डलहाउजी के टाइम पीरियड पे ही बना हुआ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। तो एजुकेशनल रिफॉर्म डलहाउजी ने काफ़ी सिग्निफिकेंट करके रखे हुए थे। तो सारा डाटा मैंने आपको यहाँ पे देके रखा हुआ है कि थ्री टायर,
डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन मतलब डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंडर आफ्टर फिर ग्रांट इन एड भी अब हम लोगों को देने हैं, मतलब मास एजुकेशन अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्या करना है, चालू करना है। और ये मास एजुकेशन हम लोग जो लेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, उससे इंडियंस को एक लॉयल ब्रिटिश सिटीजन में कन्वर्ट करना है। ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम हमको ये भी पढ़ना है कि टेक्निकल एजुकेशन तो इन्होंने 1857 में ही बंद कर दिया जैसे ही ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज इंडिया में चालू हुआ, बट फिलोसॉफिकल एजुकेशन ऑल्सो अल्टीमेटली टर्न आउट टू बी वेरी मच लीथल। इनफैक्ट 1947 के बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट्री कमेटी भी बनी थी कि वॉट फैक्टर्स ट्रांसपायर्ड द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, तो उसमें वन ऑफ द सिग्निफिकेंट डिबेट में ये वाला फैक्टर सामने आया हुआ था कि इंडिया में जो फिलोसॉफिकल एजुकेशन हमने प्रोवाइड किया दैट अल्टीमेटली प्रूव्ड आउट टू बी लीथल। अल्टीमेटली इंडिया में रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज यही यूनिवर्सिटीज से चालू हुई और इंडिया में यंग जनरेशन ऑफ द नेशनलिस्ट जो है यही यूनिवर्सिटीज से बाहर आए। और इनको हम लोगों ने क्या पढ़ाया, इनको हमने रूसो पढ़ाया, इनको हमने मॉन्टेस्क्यू पढ़ाया, इनको हम लोगों ने अल्टीमेटली फिर कांट पढ़ाया। तो ऑब्वियसली ऐसे फिलोसोफर इनको पढ़ाने के बाद दिस पीपल वर गोइंग टू टर्न आउट टू बी रिबेलियस एंड दैट्स व्हाई ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज इंडिया में सिर्फ 90 इयर्स के लिए टिका, 1857 टू 1947। तो दिस इज समथिंग जो ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम हमको बिल्ड करना है। देयर आफ्टर ये सारी चीजें एज आई टोल्ड यू जो मैंने आपको बता के रखा हुआ था यहाँ पे मैंने लेके रखी है। देयर आफ्टर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो लॉर्ड डलहौजी के अंडर ही हुआ है दैट इज डेवलपमेंट ऑफ द रेलवेज। लॉर्ड डलहौजी का एक बहुत ही मास्टर प्लान था कि प्लेन सिंपल टर्म्स में इंडिया में विलेज विलेज लेवल पे जो रॉ मटेरियल बनेगा वो इंडिया से उठाना है एंड इंडिया से उठा के हम लोगों को ये रॉ मटेरियल ब्रिटेन में भेजना है ताकि ब्रिटेन के इंडस्ट्री में इट कैन गेट कन्वर्टेड इनटू फाइनल प्रोडक्ट एंड वो फाइनल प्रोडक्ट इंडिया में लाके वापस विलेज लेवल पे बेचना है। एंड फॉर दैट पर्पज क्रिएशन ऑफ द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट इज नेवर गोइंग टू बी सफिशियंट। रास्ते बना के हम लोग ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर पाएंगे बिकॉज तब गाड़ी अंडर आफ्टर फिर बसेस या फिर इवन ट्रक्स ही नहीं हुआ करते थे, तो रास्ते बना के फायदा नहीं होगा, हम लोगों को ट्रेन्स डेवलप करनी पड़ेगी। एंड इट वॉज बेसिकली द मास्टर प्लान ऑफ डलहौजी ओनली। इन प्लेन सिंपल आइडिया दिस इज बेसिकली द मैप ऑफ द ब्रिटिश रेलवे जो 1920 में फाइनली डेवलप्ड हुआ। एंड इसमें ब्रिटिश पॉलिसी जो है जो डलहौजी ने अपने मिनट ऑन एजुकेशन में ही बता के रखी थी, मिनट्स ऑन रेलवे, मतलब रेलवे इंडिया में क्यों होनी चाहिए इसके ऊपर उन्होंने स्पील दिया था 1853 में, उसे में दिखाया रहता है। डलहौजी का कहना था कि बेसिकली हम लोगों को इंडिया में एक ग्रैंड प्लान बनाना है और ये ग्रैंड प्लान से इंडिया के विलेज लेवल पे पेनिट्रेट करना है। ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम ये ग्रैंड प्लान इंडियंस के सामने भी आया कि आपने बॉम्बे को हमेशा पाइवोट पे रखा है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट नेचुरल हार्बर दैट यू कैन गेट इन आवर कंट्री और इंडिया का सबसे बिगेस्ट ट्रेडिंग पोर्ट भी माना जाता है बिकॉज ब्रिटिशर्स ने इसको डेवलप किया। एंड ब्रिटिशर्स का प्लेन सिंपल तरीके से कहना था कि ब्रिटेन से बॉम्बे की कनेक्टिविटी है, तो बॉम्बे में अल्टीमेटली दे क्रिएटेड रेलवे स्टेशन, जो पहली लाइन भी रखी गई हुई थी वो बॉम्बे से ठाणा था 1853, विद ठाणा इज बेसिकली द सबर्ब ऑफ बॉम्बे। तो बॉम्बे से ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम इन्होंने दो मेजर रेलवे स्टेशन बनाए, एक को आज आप CST बोलते हो, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, एक जमाने में इसको विक्टोरिया टर्मिनस बोला जाता था, एंड दूसरा था म्यूल स्टेशन। अब म्यूल स्टेशन बंद कर दिया इन्होंने, बॉम्बे में अगर आप रह रहे हो, मुंबई में रह रहे हो, तो मुंबई में एक बेसिकली नेवल डॉकयार्ड है, मतलब नेवल फोर्सेस का हेडक्वार्टर है, उसके अंदर ही ये रेलवे स्टेशन। बट एक जमाने में ये म्यूल स्टेशन से रेलवे निकलती थी एंड इट यूज टू कनेक्ट दिल्ली पेशावर वाला एरिया। एंड देयर आफ्टर विक्टोरिया टर्मिनस बना हुआ था, उसका पर्पज ये था कि यहाँ से बेसिकली दो ट्रेन निकलेगी, एक जाएगी कैलकटा एंड एक जाएगी मद्रास। अल्टीमेटली मद्रास कैलकटा एंड देयर आफ्टर फिर पेशावर, यहाँ से फीडर रूट निकलेंगे, ये फीडर रूट भी मैंने आपको देके रखे हैं। तो ये सारे फीडर रूट जो है अल्टीमेटली इंडिया के मल्टीपल छोटे छोटे टाउन्स को कनेक्ट करेंगे एंड वो छोटे टाउन्स से अल्टीमेटली हम लोग विलेज लेवल तक रास्ते बांध देंगे। विलेज लेवल का रॉ मटेरियल पहले छोटे रेलवे स्टेशन, वहां से बड़े रेलवे स्टेशन, वहां से बॉम्बे, बॉम्बे से अल्टीमेटली फिर लंदन, वहां पे फैक्ट्री में डाला जाएगा, गुड्स बनाए जाएंगे, वो अल्टीमेटली इंडिया में लाए जाएंगे बॉम्बे में, एंड बॉम्बे में वापस से इसको ट्रेन में भरोगे एंड इंडिया के वापस से विलेज विलेज लेवल पे अब ये फाइनल प्रोडक्ट जो है बेचने के लिए आप सेल ऑफ करोगे। तो ये काफी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट या फिर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट, वी कैन से एक विजन था ये इंडिया का जो डलहौजी ने डेवलप किया। एंड ये रेलवे लाइन डेवलप करने के लिए एज आई टोल्ड यू कि सबसे पहला रेलवे लाइन बॉम्बे टू ठाणे था, लेटर ऑन इवन कैलकटा टू रानीगंज, ये भी इन्होंने एक रेलवे लाइन डाली थी। एंड धीरे धीरे करके इन्होंने रेलवे के डेवलपमेंट किए एंड रेलवे के डेवलपमेंट में भी इन्होंने एक सिस्टमेटिक लूट इंडिया का किया। इनिशियल पीरियड पे रेलवे डेवलपमेंट गवर्नमेंट ने खुद करवाई,
बट लेटर ऑन दे रियलाइज कि खुद करवाएंगे तो फायदा नहीं होगा. वॉट वी विल डू, ब्रिटेन में बैठे हुए जो मल्टी नेशनल कंपनीज है रेलवे से रिलेटेड, उनको इंडिया में बुलाते हैं एंड उनसे इंडिया में रेलवे रूट बनाएंगे. रेलवे रूट बनाने के बाद वो रेलवे रूट जो है उसका मैनेज करने का जिम्मा भी उन्हीं बंदों को हम देंगे फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ 25 ईयर. अगर 25 ईयर्स के मैनेजमेंट में उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली 25 ईयर्स के मैनेजमेंट में प्रॉफिट नहीं हुआ उनको तो 5% की गारंटी हम उनको देंगे कि भाई आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो 5% का फिक्स रिटर्न का गारंटी ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट आपको देगा. तो इन शॉर्ट अल्टीमेटली ब्रिटेन फॉरेन कंपनीज इंडिया में आई, उन्होंने इंडिया के लिए रेलवे बांधे एंड रेलवे बांधने के बाद प्रॉफिट जो है वसूला, वापस चले गए. अगर प्रॉफिट नहीं है तो कैलकटा की ट्रेजरी, जो इंडिया की ट्रेजरी है, वहां से उनको 5% का प्रॉफिट भी मिला. ये एक सिग्निफिकेंट अमाउंट का लूट था इंडिया की ट्रेजरी में, बिकॉज इनिशियल पीरियड में ही जब आप रेलवे बनाओगे तो ऐसा नहीं कि लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे एंड लोग इसको प्रॉफिटेबल बनाएंगे. इनफैक्ट रेलवेज काफ़ी सिग्निफिकेंट प्रोविजन टर्न आउट हुआ. डलहौजी नेवर वॉन्टेड टू ओपन इट फॉर एन ऑर्डिनरी सिटीजन, बट उसको वेरी सुन रियलाइज हुआ कि सिर्फ फ्राइट कॉरिडोर अगर हम लोग ओपन करेंगे, माल का गाड़ी हम ओपन करेंगे तो उससे पैसा वसूल नहीं हो रहा, एंड ऐसा ही ओपन इट अप इवन फॉर एन ऑर्डिनरी इंडियन. एंड ये जैसे ही इन्होंने ऑर्डिनरी इंडियन के लिए ओपन अप कर दिया, तब जाके इसके जो बेसिकली निगेटिव पैरामीटर फॉर ब्रिटिशर्स, पॉजिटिव पैरामीटर फॉर अस, हमको दिखाई देने चालू हुए. इनफैक्ट सर एडविन एमॉल्ड, ब्रिटिश हिस्टोरियन एज वेल एज ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर रहे हैं, उन्होंने एक फेमस स्टेटमेंट किया था कि रेलवे मे डू फॉर इंडिया व्हाट डायनेस्टीज हैव नेवर डन, व्हाट जीनियस ऑफ अकबर एंड मैग्निफिसेंट कुड नॉट अफेक्ट बाय गवर्नमेंट नॉर द क्रुएलिटी ऑफ द टीपू साहिब बाय वॉयलेंस, दे मे मेक इंडिया अ नेशन. तो ये काफ़ी सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट इन्होंने इनिशियल लेवल पे ही किया था 1860s में, एंड ये अल्टीमेटली प्रूव्ड आउट टू बी ट्रू ऑल्सो हुआ कि यही रेलवे का इस्तेमाल करके अब इंडियंस एक जगह से दूसरे जगह जा भी सकते थे. अब इंग्लिश लैंग्वेज भी इन लोगों को आती थी, तो इंडियंस कुड इवन स्पीक विथ ईच अदर. इसके पहले ही हम लोगों ने पहले वाले लेक्चर्स में देखा था कि इवन मराठा 1761, हार्डली 70-80 साल पहले, इससे 90 साल पकड़ के चलो, वहाँ पे मराठास अपनी 2.5 लाख की सिविलियन पॉपुलेशन लेके गए थे बिकॉज पीपल कुड नॉट गेट एक्सेस टू देयर गॉड्स हु आर सिचुएटेड इन द नॉर्थ इंडिया. लोगों को देखना था कुरुक्षेत्र, लोगों को जाना था गुरुग्राम में, लोगों को देखना था कि मथुरा कैसे है, लोगों को ये भी देखना था कि हरिद्वार कैसे है, बिकॉज पीपल कुड नेवर एंटर इन टू दिस पर्टिकुलर टेरेटरी विच वॉज क्लोज टू द पीपल ऑफ महाराष्ट्र. बट नाउ एवरीथिंग वॉज ओपन अप. अब रेलवे लाइन्स आ गए, कनेक्टिविटी आ गई, पीपल कुड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बिकॉज ऑफ सारा ही एरिया ब्रिटिशर्स के अंडर है, एंड पीपल कुड इवन टॉक विथ ईच अदर बिकॉज ऑफ लिंगुआ फ्रैंका इंडिया का इंग्लिश बनता जा रहा था. वरना इनिशियल लेवल पे आप सोचो ना, आज के टाइम पे भी अगर एक हिंदी एंड तमिल सामने आया तो कौन से लैंग्वेज में बात करेंगे, इसके ऊपर झगड़ा करते हैं. उस जमाने में तो ये सभी में था. तो अगर एक मराठी बंदा से फॉर एग्जाम्पल हिंदी हार्टलैंड में आ रहा है, या फिर एक हिंदी बंदा से फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र में आ रहा है, या फिर बेसिकली तमिल बंदा उठ के पेशावर में जा रहा है, तो किस में बात करेंगे? विच लैंग्वेज इज देयर इन विल दे शॉल कन्वर्स विथ ईच अदर. ब्रिटिशर्स ने एजुकेशन के थ्रू वो लॉन्ग विल दी, एंड देयर आफ्टर इसके थ्रू एक फिजिकल इंटीग्रेशन एज वेल एज फिजिकल कनेक्टिविटी दी. अब ये दोनों का इस्तेमाल करने की वजह से इंडिया में अब नेशनलिज्म आएगा. अब नेशनलिज्म भी देखना है, वी विल सी कि हाउ नेशनलिज्म हैज डेवलप्ड इन इंडिया. रिलीजियस नेशनलिज्म, सेक्युलर नेशनलिज्म, लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म, रेशियल नेशनलिज्म एक्सेट्रा. तो सारी चीज़ें ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम, इसकी भी बातें हम करेंगे. देयर आफ्टर डलहौजी का एक और लॉन्ग लास्टिंग कॉन्ट्रीब्यूशन इंडिया के लिए, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ टेलीग्राफिक लाइन. ऑब्वियसली टेलीग्राफिक लाइन के बाद वेरी सून डेवलपमेंट ऑफ द टेलीफोन टेक्नोलॉजी वॉज ऑल्सो देयर. बट इवन टेलीफोन टेक्नोलॉजी यही टेलीग्राफ लाइन के थ्रू ही डेवलप्ड हुई है, एंड टेलीग्राफिक लाइन इज ऑल्सो क्वाइट सिग्निफिकेंट. अल्टीमेटली इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ के वजह से जो कम्युनिकेशन सिस्टम थी वो पोस्टल अब पुरानी हो गई, और एक नई कम्युनिकेशन टेक्निक अब आपके पास आ गई. यू जस्ट नीड टू टाइप समथिंग ओवर हियर, वो इलेक्ट्रिक वायर के थ्रू एनीवेयर विथ इन स्पैन ऑफ मिनट्स आप पहुंचा सकते थे. एंड ये टेलीग्राफिक लाइन 1849 ऑनवर्ड डलहौजी ने इसके ऊपर फोकस करना चालू किया था. अंडर आफ्टर ओ शॉगनेसी, ये वही बंदा है जिसने ब्रिटेन एंड अमेरिकन कॉन्टिनेंट इसके बीच में जो अटलांटिक ओशन है उसके अंदर से टेलीग्राफिक लाइन डाले थे, सो दैट अमेरिकन कॉन्टिनेंट एंड यूरोपियन कॉन्टिनेंट कैन गेट कनेक्टेड. इसी को बुलाया गया इंडिया में, एंड ही वॉज गिवन दिस टास्क कि पहले आपको इंडिया के मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने हैं, एंड देयर आफ्टर अरेबिक ओशियन में आपको टेलीग्राफिक लाइन डालने हैं विच विल गेट कनेक्टेड टू ब्रिटेन एंड यूरोपियन कंट्रीज.
इनमें से कुछ कुछ टेलीग्राफिक लाइन जो 150 साल पहले डाले थे आज भी फंक्शनिंग है, एनी वन ऑफ द मेजर कम्युनिकेशन लाइन माने जाते हैं इन बिटवीन यूरोपियन कंट्रीज एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये ओ शॉनिगन को इंडिया में बुलाना, उनके थ्रू ये सारा काम करवाना, ये काम भी अल्टीमेटली डलहौजी को ही जाता है। अल्टीमेटली कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेलीग्राफिक लाइन प्रूव्ड आउट टू बी लीथल फॉर रिवॉल्ट ऑफ 1857। एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857 में जाएंगे तो अब देखेंगे भी देयर इज अ वेरी फेमस स्टेटमेंट जो मोस्ट प्रॉब्ली टाटा टोपे ने किया था, बट टाटा टोपे ने सही में किया था कि इसके ऊपर डिबेट है कि इट इज दैट अकर्स स्ट्रिंग दैट किल्ड अस, मतलब ये जो बेसिकली शापित तारे हैं जिन्होंने हम लोगों को अल्टीमेटली मारा है, ये वाले स्टेटमेंट रिवॉल्टियर्स ने किए हुए भी थे। तो ये काफ़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट था बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मेरठ में जैसे ही रिवॉल्ट हुआ उसमें से एक टेलीग्राम अल्टीमेटली दिल्ली में चला गया, एंड बिफोर अराइवल ऑफ दिस पीपल इन टू द कोर्ट ऑफ दिल्ली, दिल्ली में जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी थी इट वॉज अवेयर कि रिवॉल्ट इज ब्रूविंग, रिवॉल्ट इज हैपनिंग। एंड अल्टीमेटली इंडियंस की सारी ही मूवमेंट ये टेलीग्राफिक लाइन के थ्रू ब्रिटिशर्स को पहले ही पता थी, विच अल्टीमेटली टर्न आउट टू बी वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर ऑफ किलिंग ऑफ द एंटायर रिवेलियन बाय द ब्रिटिशर्स। वैसे ही नेक्स्ट वन पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट इंडिया में आज करप्शन का डेन बन चुका है ऐसा कहा जाता है। तो ये डिपार्टमेंट डलहौजी ने ही बनाया हुआ था 1854 में ही, जब ट्रेन आपने बनाई तो ट्रेन के साथ साथ पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट भी बनाया गया इन ऑर्डर टू प्रोवाइड कनेक्टिविटी फ्रॉम रेलवे स्टेशन टू द हिंटरलैंड, ताकि आजू बाजू वाले एरिया का सारा ही माल आप पर्टिकुलर रेलवे स्टेशन में लाओ, एंड रेलवे स्टेशन में जो ब्रिटिश फाइनल गुड्स उतरे हैं मैन्युफैक्चर्ड गुड़ आप आपके आजू बाजू वाले एरिया में बेच पाओ। इसके साथ साथ ये पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को इरीगेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर भी फोकस करने को बोला था, एंड इनफैक्ट वेस्टर्न यमुना कनाल जो बेसिकली डिसयूज हो चुका था, फिरोज शाह तुगलक ने बनाया हुआ कनाल था ये, इसका पर्पस वही था कि यमुना का पानी हरियाणा में डाइवर्ट करे, उसको वापस से रिकंस्ट्रक्ट करने का काम भी डलहौजी ने करके रखा था ताकि दिल्ली से लेके हरियाणा तक का जो एरिड एरिया है ये फर्टाइल लैंड बने। अल्टीमेटली वेस्टर्न यमुना कनाल जो डलहौजी के टाइम पीरियड में बना था वो अभी भी फंक्शनिंग है, आज भी हरियाणा को जो पानी जाता है यही वेस्टर्न यमुना कनाल के थ्रू ही जाता है। देयर आफ्टर इवन कमर्शियल रिफॉर्म इसने करके रखे थे, सिंस एवरीथिंग बॉइल डाउन टू व्हाट ट्रेड, एंड ट्रेड में अल्टीमेटली कॉमर्स इज ऑलवेज इम्पॉर्टेंट, एंड दैट्स अ कमर्शियल रिफॉर्म भी इन्होंने करके रखे हुए थे कि अल्टीमेटली फ्री ट्रेड वाला प्रिंसिपल अडॉप्ट करके रखा था। फ्री ट्रेड वाला प्रिंसिपल लेटर ऑन देखेंगे जब इकोनॉमिकल पॉलिसीज एंड कल्चरल पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिशर्स में जाएंगे तब। लाइट हाउसेस कंस्ट्रक्ट किए थे ताकि आज लाइट हाउस का पर्पज ही वही होता है कि जो शिप्स है उनको कोस्ट लाइन पता चले। देर आफ्टर फिर रिफॉर्म इन एग्रीकल्चर जिसमें इरीगेशन टेक्नोलॉजी हो सकती है एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो सकता है। नाउ कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर भी हम लोग इकोनॉमिकल पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिशर्स में जाएंगे तब देखेंगे। एंड देर आफ्टर इंडिया का मैक्सिमम ट्रेड धीरे धीरे इन्होंने इंग्लिश मैन के हाथ में देना भी चालू किया। इनफैक्ट 1830s, 40s, 50s, 60s एंड इसमें भी प्रिसाइजली 1840s एंड 1850s काफ़ी इवेंटफुल टाइम पीरियड रहा है इंडिया के लिए। एंड इसमें अगर आप देखोगे तो जो ट्रेड इंडिया का खुला उसका फ़ायदा नॉट ओनली फॉरेनर बट ऑल्सो इंडियंस को भी होना चालू हुआ। ये यही वाला पीरियड है जब बेसिकली बॉम्बे, कैलकटा एंड मद्रास में मल्टीपल बिजनेस फैमिलीज एमर्ज होती हुई आपको दिखाई देगी। इफ़ यू बिलोंग टू कैलकटा अपने टैगोर फैमिली के बारे में सुना होगा, एंड इफ़ यू बिलोंग टू बॉम्बे देन आपने कभी ना कभी तो ससून, डेविड ससून के बारे में सुना होगा, या फिर बेसिकली जीजी भॉय के बारे में सुना होगा। जे जे हॉस्पिटल आज भी है बॉम्बे में, एंड आफ्टर मुंबई के जो फाउंडिंग फादर बोले जाते हैं जगन्नाथ शंकर सेठ, ही इज ऑल्सो क्वाइट सिग्निफिकेंट पर्सनैलिटी जो इसी पीरियड में अल्टीमेटली रिच पर्सनैलिटीज बने हैं बिकॉज ऑफ द ओपनिंग अप ऑफ द इंडियन ट्रेड। तो ये भी एक डलहौजी को क्रेडिट दिया जाता है कि जो कमर्शियल रिफॉर्म डलहौजी ने किए इसमें अल्टीमेटली ही वॉन्टेड कि मोर एंड मोर ट्रेड यूरोपियंस के हाथ में जाए, बट यूरोपियन जैसे इंडिया में आ गए तो दे कुड नॉट एंटर इन टू द विलेज, वो काम इन्होंने इंडियन ट्रेडर के हाथ में छोड़ा, एंड इंडियन ट्रेडर उस चक्कर में अल्टीमेटली रिच बनने चालू हो गए, एंड मल्टीपल बिजनेस फैमिली नॉट ओनली इन बॉम्बे बट ऑल्सो इन कैलकटा, मद्रास, इवन पेशावर वाले एरिया में और स्प्रैंग अप होनी चालू हो गई। एंड देयर आफ्टर फिर डलहौजीज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। डलहौजी ने जो लास्ट स्केल रिफॉर्म इंडिया में करके रखे थे वो सही में यू कैन से लैंडमार्क थे। एक और रिफॉर्म अगर डलहौजी का अगर हम बात करें तो दैट इज विडो रीमैरिज एक्ट। विडो रीमैरिज एक्ट का ड्राफ्ट डलहौजी ने खुद बनाया हुआ था, एंड डलहौजी हैड पास्ड इट ऑल्सो इन हिज इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, बस साइन करने से पहले उनको ट्रांसफर का ऑर्डर मिल गया। तो दैट्स अ साइन जो है वो लॉर्ड कैनिंग ने लेटर ऑन आके की, बट डलहौजी ने हर जगह पे यू कैन सी
एवरी पॉसिबल वे में हर जगह पे इन्होंने अपने रिफॉर्म करके रखे हुए थे इन ऑर्डर टू मेक इंडिया परपेचुअली सबसर्वियंट टू द ब्रिटिशर्स। अनफॉर्चुनेटली फॉर डलहाउजी, फॉर्चुनेटली फॉर इंडियंस, इसका इंडियंस ने फायदा ज़्यादा उठाया एंड ये फायदा उठा कि इंडिया में अब एक ह्यूज वे ऑफ नेशनलिज्म डेवलप्ड होगी जो हमको लेटर ऑन देखनी भी है। जैसे रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाला लेक्चर खत्म हो जाएगा तो वी आर गोइंग टू टॉक इन 1-2 लेक्चर्स अबाउट नेशनलिज्म, स्टेट क्या होता है, नेशन क्या होता है, नेशनलिज्म डेवलप कैसे किया जाता है। उसमें डलहाउजी की पॉलिसी तो हमेशा से लैंडमार्क पॉलिसी मानी जाती है। अगर ये पॉलिसी नहीं होती तो इंडिया इंटीग्रेट नहीं होता, इंडियंस का एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट नहीं होता, इंडियंस को वेस्टर्न फिलोसॉफी एंड टेक्नोलॉजी का एक्सेस नहीं मिलता, इंडियन के हाथ में पैसा नहीं होता। एंड अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती, हाउ वेर यू गोइंग टू बिल्ड योर नेशनल मूवमेंट? नेशनल मूवमेंट को तो आपके लिए ये सारी चीज़ें आपको लगेगी एंड दैट इज़ अल्टीमेटली नेशनल मूवमेंट 1850s ऑनवर्ड ऑफ सडनली इंडिया में राइज हुआ, पहले प्री INC एंड आफ्टर फिर INC वाला पीरियड, वो सारी चीज़ें लेटर ऑन। तो डलहाउजी, उनके ऊपर हमेशा से ये एलिगेशन लगाया जाता है कि इन्होंने जो रिफॉर्म किए वो इतने लैंडमार्क थे कि इस रिफॉर्म से ही खफा होकर मेजॉरिटी ऑफ द इंडियंस गॉट अपसेट और उन्होंने रिवॉल्ट किया। विंसेंट आर्थर स्मिथ का ही ये कहना था कि डलहाउजी को ये समझना चाहिए था कि इंडियन पीपल वेर नॉट मैच्योर्ड इनफ एंड इंडियन पीपल को ये नहीं पता था द डिपेंडेंसी एंड सबॉर्डिनेशन का मतलब क्या होता है। इफ़ यू आर डिपेंडेंट देन ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स आपको जो है क्या करेंगे, देन ऑब्वियसली आपको जो है बेसिकली कंटिन्यू रखेंगे, बट अगर आप सबॉर्डिनेट हो तो ब्रिटिशर्स आपको कभी भी उठा के फेंक दे। एंड इन दैट कैपेसिटी, जैसे डिपेंडेंट आपका बेटा होता है, सबॉर्डिनेट आपका ऑफिस का कलीग हो सकता है, यू कैन सैक सबॉर्डिनेट, यू कैन नॉट डू अवे विद द डिपेंडेंट। इंडियन रूलर्स अपने आप को डिपेंडेंट मान रहे थे जबकि सब्सिडियरी अलायंस के साथ वो सबसर्वियंट हो चुके थे एंड इन दैट कैपेसिटी उन्होंने वही देखा इंडियन रूलर्स ने कि डलहाउजी एक ना एक रीज़न के वजह से इंडिया का नॉट ओनली कल्चर, मतलब इंडिया का रिलीजन ही हैम्पर नहीं कर रहा है, तो इंडिया में बेसिकली जो मोनार्की है उसको डैमेज दे रहा है बाय कैरिंग आउट इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया एंड बाय सैकिंग मल्टीपल डिफरेंट किंग। एंड इसी से परेशान होकर ये किंग लोगों ने अल्टीमेटली रिवॉल्ट किया और रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ। तो दैट वॉज एन एलिगेशन लिवाइड बाय विंसेंट आर्थर स्मिथ। बट लेटर ऑन इवन T.R. होम्स की अगर बात करें तो उनका कहना था कि इट इज़ वेरी मच रॉन्ग टू ब्लेम रिवॉल्ट ऑफ 1857 ऑन डलहाउजी। T.R. होम्स ने कह के रखा था कि जो रिवॉल्ट हुआ है 1857 का, डलहाउजी की वजह से हुआ नहीं, वो तो हम नहीं बोल सकते, बट डलहाउजी ने जो रिफॉर्म किए, रेलवे लाइन हो सकता है, टेलीग्राफिक लाइन हो सकता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड हो सकता है, एंड आफ्टर डेवलपिंग लॉयल सिटीजन्स इन इंडिया दैट इज़ मॉडर्न इंटेलेक्चुअल्स, इसी के वजह से तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 ख़त्म हुआ, विच इज़ बाय एंड लार्ज ट्रू ऑल्सो, जिसको हम लोग रिवॉल्ट में जाना है तब देखेंगे भी। तो दो स्टेटमेंट थोड़े बहुत अपने लेवल पे याद रखोगे एंड दैट सम्स अप गाइस टुडेज सेशन एज वेल एज ईच एंड एवरी गवर्नर जनरल दैट वॉज देयर इन आवर कंट्री। अब कल से वी विल एंटर इन टू द नेक्स्ट टॉपिक। आई विल डिसाइड कि मतलब इसका फ्लो कैसे रखना है, इधर मैं इकोनॉमिकल सोशल पॉलिसी पहले कवर अप करूंगा या फिर पार्लियामेंट्री एक्ट के ऊपर एंटर करेंगे, दैट लेट मी गिव सम टाइम कि मैं उसका फ्लो डिटरमाइन करूंगा, बट दोनों में से एक टॉपिक के ऊपर अब कल जाएंगे। तो दैट विल बी इट फ्रॉम माई साइड गाइज। अगेन जाने से पहले, दिस इज अ लास्ट अपॉर्चुनिटी गाइज, आई हैव ऑलरेडी लॉन्च दिस बैच ऑन 15th of December, तो ऑब्वियसली अब बहुत ही ज़्यादा लेट हो रहा है धीरे धीरे, एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2024 देन दिस इज अ लास्ट अपॉर्चुनिटी एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2025 देन दिस इज अ फर्स्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू, बिकॉज अभी के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है 2025 के लिए। अगले 6 महीने में आपका ऑप्शनल कवर अप हो जाएगा एंड देन आफ्टर यू कैन रिवाइज इट एंड नेक्स्ट 6 मंथ में यू कैन प्रिपेयर फॉर द GS। तो अगले एक साल में आप एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन की अगर बातें कर रहे हो देन दिस इज अ वेरी राइट टाइम फॉर यू, एंड अगर आप एक 24 के अटेम्प्ट में बात कर रहे हो देन ऑब्वियसली दिस इज अ लास्ट अपॉर्चुनिटी। इसके बाद में आई एम नॉट गोइंग टू लॉन्च एनी बैच फॉर 2024। अब जो बैचेस होंगे वो सारी 25 की बैचेस है, तो ऑब्वियसली जल्दी से एडमिशन लेना दोस्तों। आई हैव माइसेल्फ स्कोर 300+ मार्क्स इन हिस्ट्री ऑप्शनल एंड इन दैट कैपेसिटी ये पूरा कोर्स मैंने ही डिज़ाइन करके रखा हुआ है, जिसमें फाउंडेशन 140-160 लेक्चर एज वेल एज टेस्ट सीरीज दोनों अवेलेबल है। वी विल बी डेवलपिंग योर क्रिटिकल एनालिसिस विच इज़ अ प्राइमरी स्किल एज वेल एज आंसर राइटिंग विच इज़ अ सेकेंडरी स्किल एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल टू यू एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस ऑफ 15999 इफ यू यूज़ माई कोड SNLIVE। So I hope to see you in the class guys and that will be it from my side. Again, jaane se pehle, you can get access of this PPT on the Telegram channel of ours and agar aapko koi doubt hai, then feel free to ask it to me on the Instagram channel of mine. So I'll be stopping the session guys today. I will meet again then tomorrow and isko aage badhate. So thank you so much guys. I'll be stopping the session now. Thank you so much. Study IQ IAS. Ab tayari hui affordable.